हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आपका दोस्त। मेरा इस क्रिएटिव एनालिसिस बाय सुरेश जी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अगर इस तरह का जैकेट दोस्तों लेदर समझ के खरीद लिए हैं तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे जो ठका गए हैं। तो ये दोस्तों कम दाम में मिलता है, रैक्सिंग का जैकेट है, दिखने में एकदम लेदर के तरह है। दोस्तों देख लीजिए, पीछे से भी एकदम लगता है कि लेदर है, एकदम चक चक कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ज़्यादा दिन यूज करने के बाद दोस्तों इसका हाल देखिए क्या हो गया है, खाल उधर गया है, इसका चमड़ा उखड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, उखड़ करके झर रहा है, देख लीजिए। तो अब दोस्तों आप तो सोचिएगा ये तो मेरा बर्बाद हो गया, इसको आप फेंक देंगे। दोस्तों हम आपको आइडिया देते हैं, इसको आप मेरा आइडिया के अनुसार आप अगर इसको घर में धोइएगा तो इसको ठीक कर पाइएगा। तो आज दोस्तों हम रैक्सिंग का जैकेट जो ख़राब हो चुका है उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक करके फिर से हम इसको यूज कर सकेंगे, ये तरीका आज आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों बस मेरे चैनल के साथ आप बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, हम ये जो है जैकेट आपको पूरा दिखा देते हैं। ये देखिए बाजू के पास, देखिए दोस्तों यहाँ सामने देखिए इसका, दोस्तों जो है इस चमड़ा सब उखड़ रहा है, रैक्सिंग का जो है ये सब जो है देखिए उखड़ उखड़ के झड़ रहा है, देख लीजिए। तो आज हम इसको ठीक करेंगे और ठीक करके दोस्तों हम इसको पहनने लायक बना देंगे, पहनने साथ बने रहें। चलिए दोस्तों फटाफट इसको ठीक करते हैं। तो वॉशिंग पाउडर ले लिए हैं, आपके पास जो भी वॉशिंग पाउडर है आप ले लीजिएगा, इसमें दे देना है आधा बाल्टी पानी में। देने के बाद दोस्तों मिला लेना है, मिलाने के बाद दोस्तों ये देखिए जैकेट यही है, अंदर में दोस्तों कितना सुंदर रोआ टाइप का है और यहाँ देखिए दोस्तों ये सब वही जैकेट है, उखड़ रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको जो है भिंगा देते हैं, भिंगा करके दोस्तों तो 4 से 5 घंटा के लिए इसको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसको धोएंगे, कैसे धोएंगे वो तरीका आपको बताएंगे दोस्तों, बने रहें। दोस्तों ये 5 घंटा पूरा हो चुका है, अब दोस्तों इसको बाल्टी के बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको जो है कैसे साफ किया जाएगा, तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू कर देते हैं। यहाँ कॉलर के पास देखिए दोस्तों इसमें पपड़ी जैसा उधेड़ रहा है, देख लीजिए अभी भी पपड़ी निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम जो है अब इसको साफ करना शुरू करते हैं, पूरा पपड़ी को झाड़ रहे हैं ब्रश के माध्यम से। साबुन पहले दे दिए हैं, साबुन देने के बाद दोस्तों इसको ब्रश से घसना है। ठीक है, और ब्रश लीजिएगा हार्ड वाला, देखिए दोस्तों जैसे ही ब्रश मारिएगा इसमें ये देखिए काला काला होने लगा है और ये काला काला झड़ के निकलने लगा है। इसी तरह से दोस्तों हम पूरे जैकेट को घसेंगे, पहले कॉलर घस लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों हत्था में भी यही हाल है, पपड़ी उधेर रहा है, ये देखिए दोस्तों पपड़ी निकल रहा है, ब्रश से घसेंगे तो और ज्यादा निकलेगा, ये देखिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों इसी तरह से दोस्तों हम घस घस कर इसका जितना भी पपड़ी है सबको साफ कर लेंगे आज दोस्तों। देखिए दोस्तों हत्था में पपड़ी सब झड़ गया है, थोड़ा बहुत है। अब दोस्तों इसको हम बढ़िया से पूरे जैकेट का दोस्तों हम पपड़ी झाड़ करके और तब दोस्तों हम इसको जो है खंगाल लेंगे, दो पानी से खंगालने के बाद दोस्तों हम इसको मशीन में सुखा लेंगे, सुखाने वाला ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो तब तक हम झाड़ रहे हैं इसका जितना भी पपड़ी है फटाफट झाड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों और एक तरीका बता देते हैं, यहाँ सिलाई के पास दोस्तों आपको ब्रश से घस देना है जोर से, ये देखिए जैसे ही घसिएगा ये पपड़ी उधरने लगेगा, देखिए दोस्तों उधरने लगा है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, हाथ से धीरे धीरे इसको मसल करके
इसको देखिए पीछे की तरफ ठेल देना है। देखिए हाथ से मसलिएगा, ये अपने आप दोस्तों निकलता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से निकलते जाएगा। ये देखिए ब्रश और हाथ से दोस्तों इसको यहाँ साफ करते जाना है, तब जाके इसका सारा पपड़ी झड़ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों इसका 90% तो जरूर क्लीन हो ही जाएगा। ये देखिए दोस्तों हम बहुत सारा झाड़ लिए हैं, पपड़ी एक जगह जमा किए हैं। ये देखिए दोस्तों इतना सारा पपड़ी निकला है, और भी निकलेगा, बस 10% बच जाएगा जो कि भीगा हाल में है, पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ पपड़ी है। तो दोस्तों अब इसको जो है और अच्छी तरह से ब्रश से घस लेते हैं। घस लेने के बाद धो लेंगे दो पानी से, फ्रेश पानी से धोने के बाद फिर इसको ड्राई वाला मशीन में सुखाने वाला ऑप्शन में सुखा लेंगे, फिर आपको वापस दिखा देंगे कितना इसका पपड़ी झड़ा है। तो चलिए दोस्तों बने रहें। देखिए दोस्तों हमने ये जैकेट को दोस्तों रैक्सिन का जैकेट को दो पानी से खंगाल लिया है। अब दोस्तों इसको मशीन में दे देते हैं सूखने के लिए। सुखा लेते हैं मशीन में, पानी इसका झड़ जाएगा। देख लीजिए देखिए दोस्तों ये रैक्सिन का जैकेट हमने धो लिया है, और इसमें से दोस्तों पपड़ी झड़ रहा था वो भी झाड़ लिए हैं। 90% क्लीन कर दिए हैं, 10% कहीं कहीं रह गया है। देखिए दोस्तों ये सब अभी भी उखड़ रहा है, ये देखिए। तो ये सब सूखने के बाद भी दोस्तों हम इस तरह से धीरे धीरे करके उखाड़ लेंगे, इससे पपड़ी को उखाड़ करके फेंक देंगे। ठीक है दोस्तों अब देख लीजिए दोस्तों जैकेट को, पूरे जैकेट को देख लीजिए, एकदम जो है सब यहाँ से पपड़ी सब उखड़ रहा था। अब दोस्तों पपड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, नज़दीक से भी देख लीजिए दोस्तों, और उल्टा साइड में हम छोड़ दिए हैं, उल्टा साइड में अभी भी पपड़ी उधर रहा है। देख लीजिए दोस्तों ये सब हम छोड़ दिए हैं, उल्टा साइड में ज़रूरी नहीं है। और अंदर की तरफ कपड़ा भी दिया हुआ है दोस्तों, ये पहनने से गर्मी महसूस होगा। तो अब दोस्तों ये देखिए ख़राब हो गया था ये रैक्सिन वाला दोस्तों हमारा ये जैकेट, हमने ये ठीक कर दिया है, अब ये यूज किया जाएगा। आप लोग का भी अगर दोस्तों इस तरह का रैक्सिन का जैकेट ख़राब हो गया है तो आप दोस्तों घर पर ठीक करें, यही तरीका से आप दोस्तों फिर से यूज कर पाइएगा। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।